हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शोगड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाविस। आज हम लोग एक ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। द फिल्म का नाम है सानी कैदम 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 कैदम। यू नो कीर्ति सुरेश, राइट? या कीर्ति सुरेश, यस यू नो वो हैं इसमें, और उनके साथ हैं सेल्वा राघवन इन द लीड रोल। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग अ वेरी टाइप ऑफ क्या मसाला एंटरटेनर की टाइप ऑफ फिल्म नहीं है ये, इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक और समथिंग लाइक दैट फिल्म। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीजियल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। 4K? Yeah. Oh, good, 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 good angle. என்ன தொழில் பண்ற? கேஸ் சிலிண்டர் போடுற. எத்தனை கொலை பண்ணிருக்கீங்க? கான்ஸ்டபிளா இருந்தியா நீ? எத்தனை கொலை? 25. 25? அவன் 24னா கணக்கு இடிக்கிற. இப்ப இருக்கிற கடுப்புல உன் முதுக நம்ம புடுங்கி உன் பின்னாடி சுருவி உன்னை கொன்றணும் போல இருக்கு. அதான் உன்னையும் சேர்த்து 25. They are the partners. He saw someone and he's coming back. What a well made trailer, man. Man, my goodness. One of the best trailers I have ever watched in my life. What a great editing and what a good storyline. Maa prepa. Ek trailer hi ek short film ho gayi wo. Yeah, and how वेल दे हैव प्रोड्यूस द ट्रेलर, कैसे उस बच्ची की स्टोरी को थी एंड तक उसको ले गए, फिर बीच बीच में दिखाया उसको, एंड देन हाउ दे शोड द मर्डर्स, द कन्वर्जेशन एंड द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स एंड हिज आईज, सो रियल मैन, सो रियल। ऐसे तो ऐसे मर्डर्स के वगैरह बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपने लाइफ के मर्डर केस में जो एक्चुअली मुझे स्लीपलेस नाइट्स दी है, मुझे वो गंगू डंडू पाड़ लिया है डंडू पाड़ लिया एक रिलीज हुई थी करना, वो पहली वाली, वो जब मैंने उसको देखी थी तो मैं रात भर सो नहीं पाया, दिन में मुझे डर लगा, फिर 3-4 रात तक सो नहीं पाया मैं। आई थिंक इसको देखने के बाद भी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड एक मर्डरर्स के क्या होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ऐसे ही मर्डर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे देयर इज अ वेरी बिग स्टोरी बिहाइंड इट। एंड आई थिंक दोनों के बीच में या तो कोई रिलेशनशिप है, मतलब के फादर डॉटर कुछ ऐसा हो सकता है, एंड दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ सम रीजन, पास्ट रीजन,
और वो डेफिनेटली फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना अग्रेसिव था ट्रेलर, इतना अग्रेसिव, एंड कीर्ति सुरेश डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ इज समथिंग यू नो, जो कि मैं याद नहीं आ, कीर्ति सुरेश को रिसेंटली मैंने दो तीन फिल्मों में बहुत ही क्यूट क्यूट टाइप ऑफ रोल्स प्ले करते हुए देखा, एंड दिस इज अमेजिंग मैन, एंड सेल्वा राघवन ही इज अमेजिंग, उनका जो आई बीड़ी निकाल के पी के जिस तरीके का उन्होंने वो किया, वहीं पर वी फेल्ट के ये फिल्म देखनी है बॉस। सी दीज आर अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज मैं खुद देखता हूँ यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनते हैं, या फिर ऐसे पॉयलेट मूवीज़ बनते हैं, या फिर जो भी बनते हैं मर्डर्स के ऊपर होते हैं, ऐसे गन्स के होते हैं, एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी अबनॉक्शियस, बहुत गंदे लगते हैं वो, लगता है कि मर्डर ग्लोरीफाई कर रहे हैं या फिर किसको रियलिस्टिक दिखाएं, मतलब रियलिस्टिक नहीं दिखाते वो किसी चीज़ को, वेन यू शो मर्डर्स एज नॉन रियलिस्टिक यू एक्चुअली ग्लोरीफाइड, वो ऐसे ही करते हैं उसको, बहुत ख़राब से दिखाते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से दिखाया गया उनकी स्टोरी या फिर जो भी हो, और फर्स्ट ये एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मर्डर्स होते नहीं दुनिया, मर्डर्स होते हैं दुनिया में, इट जस्ट दैट कि वो उस पहलू को हम देखना नहीं चाहते, वी जस्ट वॉन्ट टू क्लोज अवर आइज, इनफैक्ट आपको पता चला कि हमको एक बगल गली में मर्डर हुआ है, हम वहाँ उस गली में जाते नहीं हैं कुछ दो वीक तक, हम वी जस्ट स्टॉप गोइंग देयर, इवन इफ द मर्डर हैज़ बीन डन एंड एवरीथिंग इज़ फाइन देयर, इवन देन वी डोंट, बिकॉज वी क्लोज अवर आइज टू सच थिंग्स, हम चाहते हैं कि हम उसको देखना नहीं चाहते, क्यों होते हैं मर्डर्स, अगर कोई इंसान करता है तो क्यों करता है, किस मानसिकता से करता है, नॉर्मली अगर इंसान को खून दिख जाए तो वो चक्कर गिर जाएगा वो, या फिर मर्डर्स पॉलिटिकल मर्डर होते हैं जो पावर के लिए करते हैं, जो पैसों के लिए करते हैं, लेकिन ये ऐसे जो मर्डर होते हैं वो क्यों करते हैं, साइकिक होते हैं, क्यों होते हैं वो, एंड दंडुपालिया में वो दिखाया गया था, उसको बहुत ही ख़राब तरीके से दिखाया गया था, यहाँ पे मुझे लगता है कि उसी सिमिलर वे से वो दिखाएंगे, एंड पीपल विल एक्चुअली लाइक इट, बिकॉज द ट्रेलर में जितना दिमाग उनका गया है, स्पेंड किया है उन्होंने, उतना दिमाग तो उसका 100% उन्होंने फिल्म में लगाया हुआ है, एंड वी कैन ओनली वंडर इफ इट एक्चुअली दैट्स ट्रू, आई कैन ओनली वंडर हाउ गुड द मूवी इज कमिंग आउट। सी बेसिकली जितने मर्डर्स के ऊपर या ऐसे फिल्मों ऐसे टाइप की फिल्मों में बनते हैं तो वी ऑलवेज चूज अ गुड साइड, मतलब फिल्म में एक गुड साइड और एक बैड साइड होता है, डेफिनेटली बैड साइड इज अ मर्डरस साइड, तो वो किस रीजन से भी कर रहा हो, किस वजह से भी कर रहा हो, फाइनल इन द क्लाइमैक्स वी फील दैट ही इज रॉन्ग, उसे नहीं करना चाहिए था, और हम हमेशा गुड साइड ही रहते हैं, ओके बहुत रेयर होता है कि हम लोग बैड साइड को चूज करें, नहीं भाई ये सही कर रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग से जिस तरीके का दिखाया गया, तो जो उनका इमोशन था वो ऐसा लग रहा था कि वी ऑलरेडी ऑन देयर साइड, कि कीर्ति सुरेश और उनकी साइड हम आ चुके हैं, कि दे आर डूइंग इट समथिंग बिकॉज ऑफ द रीजन, हमें पता नहीं कि रीजन क्या है, बट वी चोज अवर साइड, ओके सो वो क्रिएट करना फॉर द फिल्म मेकर, क्रिएट करके इतने छोटे शॉर्ट टाइम में सिर्फ एक ट्रेलर में लोगों को कन्वे करना बहुत बड़ी बात है, एंड दे मेकर्स हैव डन अमेजिंग जॉब, आई एम टोटली इन दिस, सो इट्स कमिंग ऑन द डे व्हेन डॉक्टर स्ट्रेंज इज कमिंग, सो लेट्स सी, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को हम लोग नहीं गए तो डेफिनेटली ये देखना तो बनता है, सो या दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन व्हाट वॉज द फुल नेम, सानी सानी कईदम, कईदम मींस व्हाट इज द सानी कईदम मीनिंग, सानी आई डोंट नो व्हाट, बट कईदम इज बेसिकली रूल, rule, let us know in our comment box what the just is. Search it na, sani tamil, we'll just show people our research skills also, SAI, sani tamil, sani kaidam meaning, means paper made from a low quality pulp, no means paper made from या मीन्स पेपर, हाँ या आई थिंक दापर साइड यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, ओके सानी कैदम मीन्स पेपर मेड फ्रॉम लो क्वालिटी पल्प, द अच्छा लो क्वालिटी पल्प, द सिग्निफिकेंस द टाइटल विल बी नोन वंस अपॉन पेपर, ओके द सिग्निफिकेंस इसका नहीं बताया गया है, लेकिन इसका वही है, काईदम मतलब वही हो सकता है। सो या लेट अस नो इन अवर कमेंट बॉक्स आपकी फीलिंग क्या है इस ट्रेलर के बारे में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम की डिटेल्स हमें दी है, दिस इज मोहम्मद शावेस, मोहम्मद नायत साइनिंग ऑफ।